Hello everyone, welcome to ThinkNext Technologies Private Limited. And in this tutorial, we are going to learn about how to make a line follower robot without using any microcontroller. So guys, आपने microcontroller के साथ काफी सारे projects देखे होंगे, but हम एक line follower जो कि सबसे पहला project है हमारा, जिसे हम बनाते हैं, कोई भी robotics का अगर हम कोई course choose करते हैं, ये सबसे पहला robot होता है जिसे हम बनाते हैं. So, इसे हम बिना माइक्रोकंट्रोलर यूज किए भी बना सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही बेसिक सा फंक्शन परफॉर्म करता है और इसके लिए हमें माइक्रोकंट्रोलर की जरूरत नहीं है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं इसका. अ लाइन फॉलोअर रोबोट इज अ मोबाइल मशीन एम्प्लॉयड टू सेंस एंड फॉलो द ब्लैक लाइंस दैट आर ड्रॉन ऑन द व्हाइट सर्फेस. सो व्हाइट सर्फेस के ऊपर जो ब्लैक लाइंस लगाई जाती हैं उनको ये फॉलो करता है. As this robot is developed using a breadboard, इसे एक breadboard पे बनाया गया था initially, it will be very simple to construct. This technique can be incorporated into automated guided vehicles, AGV. इन्हें हम automated guided vehicles भी बोलते हैं, जो कि अपने आप अपना रास्ता जो है वो ढूंढते हैं. Basically line को track करेंगे for providing easy way of operation. Generally, automated guided vehicles is integrated with the microprocessor and computer for controlling its system. It also uses a position feedback system for traveling in the desired path. In addition, the electric signal and RF communication are needed for communicating with the vehicle and system controller. Such awkward functions are completely not required in this line following robot, and it just uses IR sensor to travel on black lines. So generally robots mein माइक्रोकंट्रोलर्स की ज़रूरत होती है, उनकी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, आरएफ कम्युनिकेशन, इस तरह के कम्युनिकेशन हमें करने पड़ते हैं ताकि हम उसे कंट्रोल करवा सकें. बट हम जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें जस्ट हमें सेंसर्स की ज़रूरत है जो कि ब्लैक लाइन को ट्रैक करेंगे और अकॉर्डिंग टू डैट वो मूवमेंट करेंगे अपनी. सो इसके लिए जो कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले 7805 वोल्टेज रेगुलेटर, L293D मोटर ड्राइवर, IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर के दो पेयर और 300 या 500 RPM की DC मोटर्स, एक 9 वोल्ट की बैटरी और ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा, या फिर आप PCB का भी यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने के लिए, एक चेसिस और कैस्टर व्हील, फ्री व्हील भी इसे बोलते हैं, और दो व्हील्स चाहिए होंगे जिन पे हमारी मोटर्स जो है वो माउंट करेंगे हम. नेक्स्ट है हमारे पास मोटर ड्राइवर वर्किंग. सो ये मोटर ड्राइवर काम किस तरह से करता है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये L293D जो है ये 16 पिन का IC है हमारे पास. सो बेसिकली ये काम किस तरह से करता है वो मैं आपको बताता हूँ. सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ये इसे डुअल एच ब्रिज भी बोलते हैं. एच ब्रिज क्या होता है, जिससे हम मोटर्स को ड्राइव करते हैं, DC मोटर्स को ड्राइव करते हैं. सो एच ब्रिज से हम एक मोटर को ड्राइव कर सकते हैं, बट ये हमारे पास डुअल एच ब्रिज है तो इससे हम दो मोटर्स को ड्राइव कर पाएंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड जो सेक्शन है वो एक मोटर का है और राइट हैंड साइड जो सेक्शन है वो दूसरी मोटर का है. सबसे पहले यहाँ पर एनेबल पिन, इसी पिन को हम एज अ कंट्रोल पिन यूज करने वाले हैं. बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर एनेबल पिन पे जब हाई लॉजिक मिलता है तब यहाँ पर इनपुट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और इनपुट यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, इनपुट 1 पे 1 और इनपुट 2 पे 0 जब मिलेगा तो आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 पे एक वोल्टेज मिलेगी, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है रोबोट की मोटर्स जो है वो रोटेट करेंगी. सो जो वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलेगी वो VCC2 की तरफ से मिलती है, पिन नंबर 8 के थ्रू. सो जो भी वोल्टेज हम यहाँ पर देंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आउटपुट जो वोल्टेज हमें मिलेगी वो हमें यहाँ पर मिलेगी. ओके गाइज, सो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर देखें तो यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट और आउटपुट इनपुट, ये दूसरी मोटर के लिए. और यहाँ पर गाइज इनपुट 4 पे अगर मैं 0 देता हूँ और इनपुट 3 पे अगर मैं 1 देता हूँ तो यहाँ पर मोटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी. यहाँ पर आउटपुट 4 और आउटपुट 3 के जो टर्मिनल्स हैं, जो पोलैरिटी है वोल्टेज की, वो चेंज हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव इस बार यहाँ पर आ जाएगा और नेगेटिव यहाँ पर. सो इस तरह से हम मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट ए एंड इनपुट बी जब हम रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी मोटर्स जो हैं वो रोटेट करती हैं. सो अब मेन कंट्रोलिंग पिन जो हम यूज करने वाले हैं वो है हमारी एनेबल पिन्स. सो जब तक हम इस पिन को हाई नहीं करते तब तक हमारी मोटर्स जो हैं वो रोटेट होना स्टार्ट नहीं होती. सो यहाँ पर कंट्रोल हम इसी पिन को करवाएंगे, एनेबल 1 जो कि हमारी यहाँ पर है और एनेबल 2 जो कि हमारी यहाँ पर है, पिन नंबर 9 एंड 1.
इनके साथ हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को कनेक्ट करेंगे। ओके गाइस, सो अब मैं आपको आईआर सेंसर की वर्किंग बताता हूँ। जनरली आईआर रेज विल बी रिफ्लेक्टेड बाय व्हाइट सरफेस व्हाइल ब्लैक सरफेस अब्सॉर्ब्स आईआर रेज। सो ब्लैक सरफेस हम इसीलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज आईआर रेडिएशन जो है, इंफ्रा रेड रेडिएशन जो है, वो ब्लैक कलर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि अगर व्हाइट कलर है वो उसे टोटली रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे ही कलर के ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है कि हमारा आईआर सेंसर काम किस तरह से करेगा। इन द लाइन फॉलोअर रोबोट दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड, बोथ द आईआर सेंसर विल बी ऑन द व्हाइट सरफेस। सो इनिशियली दोनों व्हाइट सरफेस या फिर कोई भी सरफेस आप ले सकते हैं। आईआर रेज विल बी एमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड बैक विच विल बी डिटेक्टेड By the photodiode. So photodiode इसमें लगा होता है। यहाँ पर मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पर आप IR सेंसर देख सकते हैं। सो ये बेसिकली कंपैरेटर के साथ है, यहाँ पर LM358 कंपैरेटर लगा और सेंसिटिविटी चेक करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएबल रेजिस्टेंस दे रखा है। ये ब्लैक कलर की जो LED है ये हमारे पास फोटोडायोड है और ये हमारे पास IR LED है। सो यहाँ से बेसिकली IR रेडिएशन एमिट होगी किसी ऑब्स्टेकल के साथ टकराने के बाद, ये वापस आएगी। इसी के साथ आप ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट जो है वो भी आप आईआर सेंसर का यूज करके बना सकते हैं, बट ऑब्वियसली आपको उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, एक कंट्रोलर चाहिए जिसके थ्रू आप इसे प्रोग्राम करेंगे। एनीवेज, सो आईआर रेज विल बी एमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड बैक व्हिच विल बी डिटेक्टेड बाय द फोटोडायोड। इन दिस स्टेट द आईआर सेंसर विल सेंड अ हाई सिग्नल। सो जब भी हमारे पास आउटपुट जो है, जो ऑब्स्टेकल है वो सामने आएगा, वो हमें वन सिग्नल देगा। और जब आईआर सेंसर जो है वो डिटेक्ट नहीं करेगा, मतलब ब्लैक सरफेस के ऊपर होगा, तो वो ब्लैक सरफेस जो है वो आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा रोबोट जो है, हमारा जो आईआर सेंसर है वो हमें लो सिग्नल देगा, लो डिजिटल सिग्नल, यानी कि जीरो सिग्नल। सो यहाँ पर आईआर सेंसर जो है वो हमारा ब्लैक कलर पे एक्टिव नहीं होगा और वाइट कलर पे ये एक्टिव होगा, या फिर किसी भी और कलर पे ये एक्टिव होगा और ब्लैक कलर पे ये एक्टिव नहीं होगा। सो इस तरह से हम आईआर सेंसर को काम करवाते हैं। सो यहाँ पर कंपैरेटर है, ये LM358 डुअल चैनल कंपैरेटर है बेसिकली। सो यहाँ पर ये जो भी फोटोडायोड को एनालॉग वैल्यूज मिलेंगी, उन एनालॉग वैल्यूज को डिजिटल में कन्वर्ट करके हमें इन पिंस पे मिल जाएगा, जो कि फोटोडायोड के यहाँ पर आईआर सेंसर के नीचे तीन पिंस दी गई हैं, एक VCC, एक ग्राउंड और एक है हमारे पास डिजिटल आउटपुट, जो कि कंपैरेटर हमें कंपेयर करने के बाद दे रहा है। सो सेंसिटिविटी जो है वो हम इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू चेंज करवा सकते हैं। सो एक एनालॉग कंपैरेटर मैं बताता हूँ आपको किस तरह से काम करता है, कि यहाँ पर दो इनपुट्स होती हैं हमारे पास, इनपुट प्लस एंड इनपुट माइनस। जब भी हमारी इनपुट प्लस की जो वैल्यू है वो इनपुट माइनस से ज़्यादा होगी, तब हमारा लॉजिक जो है वो हाई होगा, और वाइस वर्सा अगर हमारी इनपुट माइनस की वोल्टेज ज़्यादा है और इनपुट प्लस की वोल्टेज कम है, तो हमारे पास लॉजिक लो होगा। सो यहाँ पर दो एनालॉग वैल्यूज हैं, एक हमारे पास फोटोडायोड दे रहा है और एक हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर दे रहा है। सो पोटेंशियोमीटर को सेट करके हम एक रेफरेंस वोल्टेज सेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम इस फोटोडायोड को की सेंसिटिविटी को चेंज करवा पाएंगे, मतलब हम ऑब्स्टेकल को कितना पास लेके आए कि हमारा कंपैरेटर जो है वो डिजिटल लॉजिक दे। सो जैसे ही हम पोटेंशियोमीटर को घुमा के इसकी वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी रेफरेंस वोल्टेज जो है बढ़ जाती है और हमारा ऑब्स्टेकल जो है वो और ज्यादा पास आना जरूरी है ताकि वो एक्टिव हो। ओके गाइस, सो ये तो थी आईआर सेंसर की वर्किंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्किट, इसका हम सर्किट किस तरह से बिल्ड करेंगे। बहुत ही सिंपल सर्किट है, यहाँ पर मैं फ्रिटजिंग का डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। सो यहाँ पर दो आईआर पेयर्स हैं। सो यहाँ पर ये आईआर पेयर्स जो है ये लगातार आईआर रेडिएशन एमिट करेगी और सरफेस के साथ टकराने के बाद ये वापस से हमें वोल्टेज जो है वो देगी। सो गाइज, यहाँ पर L293D मोटर ड्राइवर के साथ दो मोटर्स कनेक्ट कर दी गई हैं और इनपुट पिंस जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर इनपुट पिंस जो हैं वो ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं, मतलब हमें अलग से इनपुट वोल्टेज जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर एनेबल पिन पे मुझे क्या करना है, जो ये एनेबल पिंस हैं यहाँ पर मैं ये आउटपुट दूंगा, जो आईआर पेयर है इसकी आउटपुट एनेबल पिन पे मिलेगी। सो जब ये सेंसर एक्टिव होगा तब ये वाली मोटर रोटेट होगी, जब ये सेंसर एक्टिव होगा तो ये वाली मोटर एक्टिव होगी, रोटेट करना स्टार्ट करेगी। यहाँ पर 7805 है 9 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज L293D को चलने के लिए 5 वोल्ट की भी जरूरत है हमारे पास। सो गाइज, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ब्लैक लाइन है हमारे पास।
सो ये ब्लैक लाइन, जब हमारा रोबोट जो है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो हमारी ब्लैक लाइन है वो इस तरफ को रोटेट हो गई, तो यहाँ पर रोबोट सीधा चलता हुआ जाएगा और क्या होगा कि इस सेंसर के आगे ब्लैक लाइन आ जाएगी। सो ये सेंसर उस टाइम पे कंडक्ट करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एनेबल पिन हमारी ऑफ हो जाएगी और उसकी वजह से ये वाली मोटर जो है वो रोटेट होना बंद हो जाएगी। और ये मोटर रोटेट होगी तो ये चलती रहेगी, बिकॉज इसके आगे ब्लैक लाइन नहीं आई, तो ये क्या होगा, ये मोटर इसे राइट साइड को शिफ्ट कर देगा, मतलब राइट साइड को रोटेट कर देगा, तो हमारा रोबोट जो है वो राइट साइड को मूव कर जाएगा। सो इस तरह से ये हमारा सर्किट जो है वो काम करेगा। सो कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईआर सेंसर आपको इस तरह से लगाने होंगे, ये आपकी रोबोटिक चेसी है, और आईआर एलईडी और आई फोटो डायोड जो है, जो आपके मेन सेंसर के मॉड्यूल के पार्ट्स हैं, वो आपके फ्लोर की तरफ को माउंट होने चाहिए, मतलब फ्लोर की तरफ होना चाहिए उन्हें। सो इस तरह से ये हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। और वर्किंग अगर मैं आपको बताऊं, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक लाइन जो है वो लेफ्ट साइड को जा रही है, सो आईआर सेंसर इसे लेफ्ट साइड को मूव करेगा। अगर स्ट्रेट है तो ये स्ट्रेट चलता रहेगा, और यहाँ पर अगर राइट साइड को है तो ये राइट साइड को मूव करेगा। सो बेसिकली क्या होगा, एक मोटर को हमें बंद करवा देना है जिसकी वजह से ये राइट साइड को शिफ्ट हो जाए। सो यहाँ पर लेफ्ट सेंसर सीज बैक, सो यहाँ पर लेफ्ट सेंसर जो है वो ब्लैक जब देखेगा तब ये बंद हो जाएगा, उसकी वजह से ये वाली मोटर हमारी बंद हो जाएगी, और ये वाली अभी भी चल रही है तो ये क्या होगा कि ये इस साइड को टिल्ट हो जाएगा। सेम अगर इस केस में देखें तो कोई भी ब्लैक कलर जो है वो नहीं, कोई भी सेंसर हमारा ब्लैक कलर नहीं देख रहा है, तो ये स्ट्रेट मूव करती रहेगी, और इस केस में यहाँ पर राइट वाला सेंसर जो है वो ब्लैक देखेगा तो ये इस साइड को मूव कर जाएगा। ओके गाइस, सो रनिंग अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं तो ये इस तरह से चलेगा कि ये ब्लैक लाइन जो है उसको पूरा प्रॉपर फॉलो करेगा। सो यहाँ से जा रहा है, सो यहाँ पर इसके पास अभी ब्लैक रिसीव हुआ तो ये वाली मोटर जो है वो बंद हो गई और ये वाली रोटेट करना स्टार्ट कर गई। सो इसकी वजह से ये राइट मूव किया और थोड़ा सा स्टेबल, फोर्थ स्टेज में ये थोड़ा सा स्टेबल करेगा अपने आप को, और फिर फिफ्थ स्टेज में थोड़ा सा स्टेबल करेगा, और सिक्स स्टेज में फुली स्टेबल होने के बाद इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन करेगा। ओके गाइस, सो अब मैं आपको इसके कॉम्पोनेंट्स दिखाता हूँ कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हमारे यूज होने वाले हैं और इन्हें किस तरह से हमें कनेक्ट करना है। ओके गाइस, सो गाइस ये कुछ बेसिक कॉम्पोनेंट्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें हमारे पास दो आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं हमारे पास, LM358 कंपैरेटर्स, जिसमें SMD कंपैरेटर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर सेंसिटिविटी हम इनसे चेंज कर सकते हैं। ये सेंसिटिविटी जो है ये आपको चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके गाइस, सो आफ्टर दैट आएगा हमारे पास L293D मोटर ड्राइवर, जिसकी यहाँ पर मैं शील्ड बना चुका हूँ 7805 वोल्टेज रेगुलेटर के साथ। इस बटन के साथ मैं इसे ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। ये हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट पिन्स हैं, यहाँ पर इस साइड पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये 9 वोल्ट की बैटरी जो है ये VCC2 जो है पिन नंबर 8 उस पर हम कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास इनेबल पिन्स हैं, और यहाँ पर 5 वोल्ट के सोर्स हैं बेसिकली, ताकि हम इन्हें पावर दे सकें। ओके गाइस, सो अब इसे कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पर। सो यहाँ पर चेसिस है हमारी, जिसमें हमारे पास ये व्हील्स लगे हैं, और बैक साइड पे इसके यहाँ पर हमारे पास दो मोटर्स हैं, डीसी मोटर्स, और ये हमारा फ्री व्हील यानी कि क्वार्टर व्हील है। सो अब मैं इन्हें माउंट कर चुका हूँ, और यहाँ पर हमारे पास इसकी आउटपुट पिन जो हैं वो मैंने जंपर वायर्स के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। ओके, सो अब हम इसे कनेक्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पर बैटरी को माउंट करता हूँ, राइट, और आफ्टर दैट यहाँ पर हमें क्या करना है बेसिकली, इस L293D मोटर ड्राइवर को हम यहाँ पर माउंट करेंगे, और डबल साइड टेप से मैं ये जो सेंसर्स हैं हमारे इन्हें मैं यहाँ पर माउंट कर दूंगा इस तरह से, ताकि मेरी ब्लैक लाइन जो है, मैं टेप यूज़ करूँगा ब्लैक लाइन के लिए, वो प्रॉपरली डिटेक्ट हो सके। ओके गाइस, सो अब इन्हें माउंट करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसका सर्किट बनता है। सो गाइस, अब हमारा सर्किट जो है वो फुली रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से माउंट किए गए हैं। ये माउंट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका ये सरफेस के साथ ना टच हो, ये जो सेंसर्स हैं, अदरवाइज रोबोट को मूवमेंट में दिक्कत आएगी। सो यहाँ पर पावर सोर्स की जगह पर हम यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर ये ऑन ऑफ बटन है हमारा। सो जब हमारी ब्लैक सरफेस यहाँ पर
आएगी किसी भी सेंसर के आगे, तो उस पोर्शन की जो मोटर है वो रोटेट होना हमारे पास बंद हो जाएगी। और यहाँ पर 7805 वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू हम यहाँ पर पावर दे रहे हैं। सो ये सेंसर्स जो हैं इनके लिए भी यहाँ पर अलग से पोजीशन बना दी गई थी कि 5 वोल्ट और ग्राउंड हम यहाँ से दे सकें। सो यहाँ पर इनपुट पिंस की अगर बात करें तो L293D की एक इनपुट हमने पावर के साथ कनेक्ट कर दिया 5 वोल्ट के साथ, और जो हमारी सेकेंड इनपुट है उसे हमने ग्राउंड कर दिया। तो ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा। और जो हमारे पास आउटपुट पिंस हैं, आउटपुट पिंस को हमने मोटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, सेम दूसरे सेक्शन में भी ऐसे ही किया गया दूसरी मोटर के लिए। और यहाँ पर जो एनेबल पिंस हैं उन्हें हमने कनेक्ट कर दिया, ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की डिजिटल आउटपुट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी डिजिटल आउटपुट है ये हमारे पास एनालॉग है, बट हमने इसे डिजिटल के साथ कनेक्ट किया बिकॉज एनालॉग के साथ ये इतना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ओके गाइज, सो चलिए अब इसे प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं और लाइन पे इसे चला के देखें।